ठीक। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين صد قابل احترام آج کے اس پر رونق مجلس میں تشریف فرمانے والے حضرات مقررین عظام اور قابل احترام اسٹیج میں جلوہ افروز ناظم جلسہ اراکین مدرسہ اور اس علاقے کے علماء کرام مجلس میں تشریف فرما معزز سامعین کرام نوجوانان قوم و ملت مختلف مدرسوں سے تشریف فرما علماء کرام ائمہ اعظام اور پردے کے ساتھ بیٹھنے والی میری ماؤں اور بہنوں آج بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ مدرسہ تجوید القرآن عباسیہ کا سالانہ دستار بندی جلسہ منعقد کیا گیا ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس جلسے میں بہت ہی ہندوستان کے مایۂ ناز مشہور و معروف خطیب شعلہ بیان جناب حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے بہت ہی اہم رکن ہیں اس وقت پورے ہندوستان میں امت کی خدمت میں ہما وقت مصروف رہتے ہیں اس کے باوجود ان کا بڑا کرم ہوا کہ ہماری دعوت پر ہمارے اس گاؤں میں تشریف فرمائے ہیں انشاءاللہ بس تھوڑے ہی وقت کے بعد ہم جناب حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کا وہ پرجوش بیان پرحکمت بیان سے محظوظ ہوں گے یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا یہ جلسہ اور ہمارے یہاں اکثر جلسہ جو ہے پوری رات کا اب نہیں ہو رہا ہے اس لیے میں تمام سامعین کرام تمام ماؤں اور بہنوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بلا تاخیر بالکل جلسہ گاہ میں تشریف لائیں پروگرام مختصر ہے مسلسل ہمارے علماء کرام تشریف فرماتے جائیں گے اور ان کا بیان ہوتا جائے گا پھر آخر میں بنگلہ کے مشہور اور معروف مقرر بنگلہ زبان میں بڑی میٹھی تقریر کرنے والے دل بہلانے والی تقریر اور ہمیں جھما دینے والی تقریر جناب مولانا زین العابدین صاحب کا ہوگا
हजरत भी तशरीफ़ फरमा चुके हैं। इसलिए मैं तमाम दोस्तों से, बिरादरों से, तमाम माओं और बहनों से फिर और एक बार गुजारिश करूंगा कि आप हजरात जलसागाह में देर किए बगैर तशरीफ़ फरमाएं। इस वक्त मैं कोई आप लोगों से लंबी खिताबत, लंबी बात नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा तबादला ख्याल करना है। आप लोगों को कुछ बातें मुझे सुनानी है, जिसको तकरीर कहें या कुछ नसीहत कहें या कुछ मशवरा कहें, जैसा आपका दिल चाहे आप कह सकते हैं, लेकिन सुनिए ज़रूर। आज ये हाजी यानी तजवीदुल कुरान अब्बासिया मदरसे का सालाना जलसा है। इस इलाके के लोगों का दिल बाग बाग है, खुशी में हमारा दिल मचल रहा है, एक धूम मची हुई है, चारों तरफ चहल पहल है, हर घर घर में मेहमानों का हुजूम है, बड़ी तादाद में मेहमान आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुद मदरसे के जिम्मेदारान, मदरसे के इस जलसे में तशरीफ़ लाने वाले आम मेहमानों के लिए पूरी मेज़बानी का इंतज़ाम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खाने का नज़म बनाया है जो बाकायदा चल रहा है। हज़ारों रुपया इस जलसे के पीछे, आप लोगों की मेहमानदारी के पीछे जिम्मेदारान मदरसा खर्च कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों की आमद, आप लोगों की मोहब्बत में। मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि आज इस मदरसे में 6-6 सितारे हाफिज कुरान के बने हैं और उन सितारों के सरों पर दस्तारे फजीलत अभी थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह बांधी जाएगी। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। आज एक वक्त था भगवानपुर वालों के लिए फख्र की कोई बात नहीं थी, बल्कि जिल्लत की बात होती थी। भगवानपुर वालों को अपना तारुफ, अपना अपनी पहचान दूसरी जगह में देना, ये बहुत गिरानी समझी जाती थी कि कैसे कहूं कि मेरा घर भगवानपुर है। लेकिन आज भगवानपुर वालों पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले में फख्र किया जाता है और उसकी बड़ी वजह यही है, बड़ा सबब यह है कि इस भगवानपुर की सरजमीन में एक एक नहीं, दो दो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मदरसा चल रहा है। इस मदरसे के तवस्सुत से, जरिए से अल्लाह ने आप लोगों का नाम रोशन किया, अल्लाह इस सरजमीन को ऊंचा किया और इस मकाम की शोहरत को अल्लाह ने चारों तरफ फैला दी और आपको आज गर्व महसूस हो रहा है, फख्र महसूस हो रहा है। दोनों मदरसों से अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के अंदर 100 से जायद बच्चे हाफिज कुरान बनकर निकल गए हैं। लेकिन इसी जगह में अफसोस भी है, आज भी जबकि 15-17 साल 20 साल इन दोनों मदरसे को रवा दवा होने के बावजूद अभी तक कुछ लोग हैं जिनको आज भी मदरसे से जलन है, जो आज भी मदरसों से जलते हैं। आज भी ऐसे मदरसों में प्रोग्राम होता है तो उनके दिलों में जलन शुरू हो जाती है, बेकरारी शुरू हो जाती है। आज भी वो लोग इन मदरसों से मुत्तफिक नहीं हैं, खुश नहीं हैं। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज सुबह की बात कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि आज मैं आप लोगों से खिताब करने के लिए नहीं आया हूं और मैं कोई बड़ा मुकर्रर की हैसियत से यहां नहीं आया हूं, ना हूं मैं कोई बड़ा मुकर्रर,
वो तो आप उन हजरात से बात सुनेंगे, मैं आप ही लोगों का एक फर्द हूं, मैं भी इसी सरजमीन का हूं, मैं भी इसी जमीन की औलाद में से हूं, लिहाजा मुझे हक पहुंचता है, जो बात हक है वो हमें कहनी चाहिए और डंके की चोट हमें कहनी चाहिए। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज सुबह भी एक साहब ने कमेंट्स किया, क्या किया कि इन मदरसों में मौलवी क्या किए हैं, ये मौलवियां मदरसों से पढ़कर क्या किए हैं, इन लोगों ने तो आज तक एक सुई भी बना नहीं सके। और इस तरह का कमेंट्स आज नहीं, मैं 20 साल से इस तरह का सुनता आ रहा हूं। यानी इसका मतलब मुसलमानों में एक तबका है, कुछ लोग हैं जिनकी जहनीयत इतनी गंदी है, जिनकी सोच इतनी गलत है, जिनका नजरिया इतना तंग है कि आज भी उनको मदरसों से मोहब्बत नहीं है, उलमाए दीन से मोहब्बत नहीं है, तलबा से मोहब्बत नहीं है, हाफिज कुरान से मोहब्बत नहीं है, मुफ्तियान किराम से मोहब्बत नहीं है, हुज्जाज किराम से मोहब्बत नहीं है। अरे गैर तो गैर, ये तो अपने लोग हैं जिनकी जहनीयत ऐसा है, जिनका ख्याल ऐसा है, जिनकी सोच ऐसी है, वो कहते हैं कि ये मदरसे गैर जरूरी है, ये तालीम गैर जरूरी है, इन मदरसों की क्या जरूरत थी, ये मदरसे वाले ये मौलवियान बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये उनकी सोच क्यों है, ये इसलिए है कि हम देखते हैं कि दूसरे मजहब वालों में मजहबी ऐसा इदारा नहीं होता है, स्कूल हाई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां मजहबी नहीं होते हैं, ये सिर्फ इस्लाम की खसूसियत है, ये इस्लाम की यानी इस्लाम का कमाल है, इस्लाम एक मुकम्मल दस्तूर हयात है, कुरान एक मुकम्मल दस्तूर हयात है, इसलिए इस्लाम के अंदर इस्लामी तालीमात के लिए स्कूलों की प्राइमरियों की हाई स्कूलों की और कॉलेजों की यूनिवर्सिटियों की जरूरत पड़ती है। आज पूरी दुनिया में लाखों आपको दीनी मदरसे मिलेंगे जहां सिर्फ मजहब की तालीम दी जाती है, जहां हदीस और कुरान की तालीम दी जाती है, जहां सिर्फ इस्लामी तालीम दी जाती है, इन मदरसों में जनरल तालीम नहीं दी जाती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, यही तो उनके पेट में दर्द है, यही तो उनके लिए दर्द सर है कि इन मदरसों में अंग्रेजी क्यों पढ़ाई नहीं जा रही है, इन मदरसों में मैथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, इन मदरसों में बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज मैं इसी बात की वजाहत करना चाहता हूं, वो सोचते हैं गैरों की तरह, गैरों के तरीके पर सोच रहे हैं। अरे हमें क्या मतलब, गैरों का मजहब अधूरा है, नाकिस है, मुकम्मल नहीं है। वो लोग उनके यहां जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, वो अपने जनरल तालीम के साथ, जनरल एजुकेशन के साथ थोड़ी बहुत मजहबी तालीम दे देते हैं, वही उनके लिए काफी है। लेकिन भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर आपको एक इस्लामी स्कॉलर बनाना है, अगर आपको बेहतरीन हाफिज कुरान बनाना है, आपको अगर बेहतरीन कारी कुरान बनाना है, आपको अगर यानी मुफ्ती वक्त बनाना है, आपको एक मुहद्दिस जमान बनाना है, तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये स्कॉलर है, लिहाजा एक लड़का वो हाफिज कुरान भी बन जाए और उसी के साथ इंजीनियर भी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि इन मुकम्मल मजहबी तालीम के साथ
और इस तरह से जनरल एजुकेशन को मुकम्मल तरीके से पढ़ाया जाए, दोनों पढ़ाई एक साथ में, इस तरह से नहीं हो सकता है। अगर इस्लामी स्कॉलर बनाना है तो जनरल एजुकेशन को छोड़ना पड़ेगा, अगर जनरल स्कॉलर बनाना है तो दीनी एजुकेशन को छोड़ना पड़ेगा। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बात याद रखनी चाहिए, आज इन मदरसों में मुसलमानों के सिर्फ 1.5 से 2% 100 में मुसलमानों के 1 से 1.5 या ज्यादा से ज्यादा 2% बच्चे, 100 में 2 बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। आज मैं उन गंदे जहनियत रखने वाले लोगों से सवाल करता हूँ, आज वो उन मुसलमानों से मैं सवाल करना चाहता हूँ जिनका नजरिया इतना तंग है, जिनकी सोच ऐसी गलत है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आपको इन 2% बच्चों का के लिए आपका सर में दर्द है, आपके पेट में जलन हो रही है, आपके सीने में जलन हो रही है, तो ये जो 98% बच्चे जो मुसलमानों के मदरसे में नहीं पढ़ रहे हैं, आप उनको इंजीनियर्स बनाइए, आप उसको मास्टर्स बनाइए, आप उनको डॉक्टर्स बनाइए, आप उसको यानी साइंटिस्ट बनाइए, आप उसको प्रोफेसर्स बनाइए, लेक्चरर्स बनाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप सिर्फ इन 2% बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं, ये मौलवी क्यों बनेंगे? मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये मदरसे इस्लाम की बुनियाद है, ये कुरान को जिंदा रखने का कारखाना है, कुरान यहां से जिंदा हो रहा है, कुरान का तहफ्फुज़ और बका, इस्लाम का तहफ्फुज़ और बका इन मदरसों के जरिए से हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसी गंदी सोच, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो लोग हैं, सबसे बेहतरीन जमात वो लोग हैं जो कुरान सीखने और सिखाने और सीखने सिखाने वालों की मदद में लगे हुए हैं, जो कुरान सीखने और सिखाने में लगे हुए हैं और सीखने सिखाने वालों की मदद में लगे हुए हैं। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसका मतलब यह है कुरान की तालीम आपकी नजरों में यह महबूब नहीं है, पसंदीदा नहीं है, आप कुरान की तालीम से मुत्तफिक नहीं है, आप शरीयत की तालीम से मुत्तफिक नहीं है, आप नबी करीम सल्लम की सुन्नत से मुत्तफिक नहीं है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारी बड़ी कमजरफी है, हमारी तंग नजरी है, ये हमारी हमाकत और बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं है। हम अपना ईमान का सौदा कर ले रहे हैं अपनी जहालत की वजह से, अपनी नादानी की वजह से। मुसलमानों, तुम अपनी जुबानों को खामोश करो, अपनी जुबानों की हिफाजत करो। आपको मौलवियान की तारीख मालूम नहीं है, उलमाए किराम की तारीख मालूम नहीं है। अगर आपको उलमा का माजी का पता चल जाता, उलमा का पास्ट का पता चल जाता, उलमा की तारीख आपको मालूम होती, आप ऐसा गंदा कमेंट अपनी जुबान से नहीं करते कि उलमा कौन है, इनका माजी क्या है, कितना शानदार माजी उलमाए किराम का है, कितनी तारीख उलमाए किराम ने छोड़ी है, दुनिया को क्या 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 उलमाए किराम ने दिया है, उलमाए किराम के एहसानात दुनिया वाले पर कितने हैं, ये आपको खबर नहीं है। अगर आपको उलमाए किराम की तारीख मालूम होती तो ऐसा गंदा कमेंट आप नहीं करते। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए, हालात की नजाकत को सामने रखते हुए, वक्त के बदलाव को सामने रखते हुए, जमाना के तगैयुर को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हाँ, कंपोजिशन की जरूरत है। दोनों तालीम, दोनों एजुकेशन में, दीनी और दुनियावी तालीम के अंदर कंपोजिशन करना जरूरी है।
ऐसा ना हो कि एक आलिम सिर्फ आलिम बनकर रह जाए और दुनियावी तालीम से, जनरल एजुकेशन से बिल्कुल वो कोरा रहे, महरूम रह जाए। उलमा की ये शान नहीं है, ये इस जमाने के लिहाज से काफ़ी नहीं है। उलमाए दीन को भी जनरल एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा। जनरल एजुकेशन हासिल करने का शौक़ और जज्बा अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। वो हालात बनानी पड़ेगी कि मदरसे के बच्चे सिर्फ हाफिज़ कुरान बनकर ना रह जाए, सिर्फ आलिम दीन बनकर ना रह जाए, सिर्फ मस्जिद का की इमामत की हद तक बनकर ना रह जाए, बल्कि ये उलमाए किराम ऐसे ऐसे काबिल बन जाएं कि ये तो इस्लाम दुश्मनान के का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जमाना के तकाजा को समझ सकें, वक्त के बदलाव को समझ सकें, वक्त की जुबान को समझ सकें। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, लिहाजा ये वो वक्त है, ये वो जमाना आ गया है कि हमें कंपोजिशन की जरूरत है। दोनों तालीम में बराबरी करना, दोनों तालीम को जरूरी समझना, दोनों तालीम के अंदर यानी अहमियत देना, आज ये हम सब के लिए, हम सब का फरीजा है, हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब के लिए जरूरी है। लिहाजा जो बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ेंगे, हम उनको भी दुनियावी तालीम से मालामाल करेंगे, लेकिन मकसद होगा कि वो इस्लामी स्कॉलर बन जाए, दुनियावी तालीम से बिल्कुल वो कोरा और महरूम ना रहे। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसी तरह से जो जो हमारे बच्चे जनरल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मिशनों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, बीकॉम पढ़ रहे हैं, बीएससी पढ़ रहे हैं, बीए पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे होंगे, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे वो बच्चे भी दीनी तालीम से महरूम ना रह जाएँ। वो भी, उनको भी कुरान सिखाना पड़ेगा, उनको भी दीन सिखाना पड़ेगा, उनको भी अपने ईमान की हिफाजत करनी पड़ेगी। और उसके लिए भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम में से हर एक जिम्मेदार को चाहिए कि हम इसके लिए मुतहर्रिक हों, हम फाल बने, हमारे दिलों में वो जज्बा और शौक पैदा हो कि हमारे बच्चे महरूम ना रह जाएं, हमारे बच्चे महरूम ना रह जाएं, हमारे हमारे ये दोनों यानी दोनों तालीम, मदरसे की तालीम और जनरल एजुकेशन, इसमें हमारा हमारी कंपोजिशन होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम ऐसा माहौल बनाएं कि हमारे कॉलेज के बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बच्चे वो दीन से बहरावर हो जाए, वो दीन से मालामाल हो जाए, दीनी ज़रूरी तालीमात वो हासिल कर ले। और हमारे मदरसे के बच्चे भी जो हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, जो आलिम दीन बन रहे हैं, उनको भी दुनियावी तालीम से बहरावर किया जाए, मालामाल किया जाए, वो भी दुनिया से आगाह हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये प्यार और मोहब्बत की बात है, ये वो वक्त आ गया है। मुसलमानों, अगर तुम अपने बच्चों को दोनों तालीम नहीं दोगे तो तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं बन सकोगे। वो वक्त आ गया है कि हमें इस वक्त का मुकाबला करना पड़ेगा, जमाने का मुकाबला करना पड़ेगा, नाहक का मुकाबला करना पड़ेगा, इस्लाम दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना पड़ेगा। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उसके लिए हम उलमाए किराम को आगे मैदान में उतरना पड़ेगा और वक्त की जुबान हमें सीखना पड़ेगा और दुनियावी और जनरल एजुकेशन कि हमें अहमियत देनी पड़ेगी और उसको भी हमें सीखने की ज़रूरत है। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये अलग बात है। इस वक्त दोनों तालीम की, हम मुसलमान होने की हैसियत से दीनी तालीम हम में से हर एक के लिए फ़र्ज़ है, हम में से हर एक के लिए फ़र्ज़ है। और भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, और इस ज़माने में जीने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए, इस हालत में जीने के लिए, हालत का मुकाबला करने के लिए, इज्जत के साथ जीने के लिए, अपना हक लेकर जीने के लिए दुनियावी तालीम की भी हमें ज़रूरत है, दोनों तालीम की ज़रूरत है। इस तरह
طرح سے کوئی تعلیم غیر ضروری نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہماری نظروں میں دونوں تعلیم کی قدر ہونی چاہیے، دونوں تعلیم کی قدر ہونی چاہیے۔ افسوس ان مسلمانوں پر ہے جو اسکولوں پر خوش ہوتے ہیں، مشنوں پر خوش ہوتے ہیں، نرسریوں پر خوش ہوتے ہیں، جنرل تعلیم گاہوں پر خوش ہوتے ہیں اور مدرسوں سے جلتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے بھائیوں بزرگوں دوستو۔ لہذا اگر اس وقت ہمیں یعنی اگر ہم اپنا حق لے کر شان سے جینا چاہتے ہیں اور قوم کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں دونوں تعلیم لے کر چلنا پڑے گا، دونوں تعلیم میں ہمیں کمپوزیشن کرنا پڑے گا اور دونوں تعلیم کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا پڑے گا، دونوں کی قدر کرنی پڑے گی۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، اس کام کے لیے آج تک جو وہ انتظام نہیں تھا، الحمدللہ وہ انتظام ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہمارے اس علاقے کے سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ دینیات منظم مکتب کتنا شاندار طریقے سے ہمارے علاقے میں رواں دواں ہے، اور اس میں وہ چھوٹے چھوٹے 7 سال 8 سال کے معصوم بچے جو دین سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، اسلام کی ضروری معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، یہی بچے جب 4-5 سال اس طرح سے منظم مکتب میں پڑھ لیں گے، پھر وہ آگے انجینئر بنے، پروفیسر بنے، ڈاکٹر بنے، آئی پی ایس آفیسر بنے، جو بھی بنے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں گے، قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے، اسلامی ابتدائی تعلیمات سے وہ مالا مال ہو جائیں گے۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ دینیات منظم مکتب کو ہمیں اور عام کرنا پڑے گا، اور ہمارے ہر ہر گھر کے ہم میں سے ہر ایک، چاہے امیر ہوں یا غریب، چاہے وہ نیتا ہوں یا پبلک، ہم میں سے چاہیے کہ ہماری اولاد دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے معلوم یعنی بہراور ہو جائے، مالا مال ہو جائے۔ یہ فکر، یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے اور ایسی سوچ ہماری ہونی چاہیے۔ اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستو، میں تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، اور خصوصاً یعنی صاحب اثر و رسوخ، یعنی جن بھائیوں کے پاس یعنی سیاسی اثر ہے، جن بھائیوں کے پاس دولت ہے، جو شان رکھتے ہیں، ایسے بھائیوں کو میں دعوت دوں گا کہ آپ لوگ آئیے، قوم کو بچانے کی کوشش کیجئے، اپنی جنریشن، اپنی اولاد کو بھی بچائیے، قوم کی اولاد کو بھی بچائیے اور قوم کی حفاظت کیجئے۔ اس وقت قوم مصیبت کے دہانے پر ہے۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ساری باتیں تھیں۔ لہذا اللہ کرے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ان مدرسوں کی عظمت پیدا کر دے۔ اور بھائیوں، آخری میری عرضو اور درخواست آپ لوگوں کے پاس یہی ہے کہ جو حالات ہمارے سروں پر، جو مصیبت کا یعنی بادل مڈلا رہا ہے اور جن حالات سے ہم اس وقت دوچار ہیں، بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ کے سوا ہمارا کوئی پاسبان نہیں ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی محافظ نہیں ہے، اللہ کے سوا ہماری حفاظت کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، تم سب اللہ کی طرح متوجہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگو، اپنے گناہوں سے، اپنے کالے کرتوتوں سے اور اپنی خطاؤں سے توبہ کرو، گناہوں سے بچو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے دعا مانگو۔ مسلمانوں، کوئی اور دوسرا راستہ ہمارے بچنے کا نہیں ہے۔ یہ تعلیم مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہی ہمارا حفاظت کرنے والا ہے، وہی ہمارا پاسبان ہے، وہی ہمارا محافظ ہے، وہی ہمارا ملا ہے۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، انہی چند معروضات کے ساتھ میں مدرسے والوں کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہوئے، اور مدرسے کے جتنے بہی خواہان یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، ان سب کا شکر ادا کرتے ہوئے، علاقے کے بھائیوں کا، دوستوں کا، ماں اور بہنوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔